वर्णन आता है कि सतीत्व के दम पर सावित्री देवी ने धर्मराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। मगर नगर खैरावाद की विधवा सावित्री देवी को अमरन अनशन के बाद भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सावित्री ने अभी हार नहीं मानी है। जिला अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वृद्धा सावित्री फिर से अमरन अनशन पर बैठ गई है। आपको बता दें कि वार्ड कटरा के मोहल्ला अर्जुनपुर में विगत 50 वर्षों से रह रही सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय शियाराम का घर जिला प्रशासन व नगर पालिका परिषद के द्वारा विगत 23 फरवरी को जेसीबी के जरिए ढा दिया गया था, जिसके विरोध में सावित्री देवी ने जिला प्रशासन को एक सप्ताह पूर्व अवगत कराकर ये सूचना जिला व प्रदेश के अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को दी थी कि अगर उसका तोड़ा हुआ घर पुनः बनाकर उसे नहीं दिया गया तो विरोध में वह 1 मार्च से अमरन अनशन करेगी। उसने उसी स्थान पर अमरन अनशन प्रारंभ किया था। अनशन के 5वें दिन उपजिलाधिकारी सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार तथा पुलिस बल द्वारा जेसीबी के जरिए सावित्री देवी का आवास उजाड़ने की कार्रवाई की गई। बैनर फाड़ कर जबरदस्ती तख्त सहित उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 9 मार्च को उसे 9 बजे जिला अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया, लेकिन घर आने नहीं दिया गया। शाम 6 बजे उसे जब छोड़ा गया तभी से वह माँ गौरा देवी सेवा मंदिर भूलनपुर के द्वार पर अमरन अनशन पर बैठ गई। सावित्री ने आई इंडिया को बताया कि बिना सूचना के घर ढा दिया गया, अब माता के दरबार में पड़े हैं। भैया धन्ना बैठे न, हमें कोई सूचना दिए गए और न कुछ किया गया, हमारा घर ढा दिया गया, हमका बेघर कर दिया गया, तो इसलिए हम धन्ना पर बैठे हैं। अब बताओ न, हमारे घर है न कुछ है, कहाँ जाऊँ? तो माता जी के दरबार पड़े हैं। हमका ऐसा है कि 5 तारीख का उठा के अस्पताल मैया हमका डाल दी जाएगी, हमरा ऐसे बिस्तर पर आ रहा है, उठा के गाड़ी में डाल दी, डाल दी जाए ना, हमरे कोई सुनवाते है ना कोई है, हुआ कुछ भी नहीं है, इधरों पुलिस लगी उधरों पुलिस लगी, बीच में हम पड़े हैं ना, हम पेशाब जाए वाले ना टट्टी जाए वाले, हमारी नातिन हमारे साथ रहा है वो कहो ये हल्किन, हाँ माता के दरबार में है, अब माता के दरबार में है, माता जी हमारी कृपा करिए, जो कुछ करना है माता जी करिए, और हमारी आवाज़ आई है, हमारी आवाज़ जो हमारी जहाँ की आई वही लेंगे, और ना हम कहीं न जाएंगे, हम यहीं शहीद हुई जाइबा और जाइबा हम कहीं ना, जैसे हमारी डोली सच के हुई घर पर आई रहा है वही सी अर्थी हमारी जाएगी। सावित्री की नंद सुशीला ने आई इंडिया को बताया कि जो घर ढाया गया बचपन वहीं बीता है। हमारा बचपना यहीं बीता इसी घर में, हम अब हम 70-72 साल के और यहीं बीता। कल पुलिस वालों ने हम लोगों को लेटने नहीं दिया रोड पर, रोड पर से भगाया, तब हम भाग के यहाँ आए। इतना परेशान करते हैं, इसी घर में हम पैदा बहन वह में, यहाँ वह घर में इतने बड़े भैन। सावित्री के पुत्र सुधीर कुमार ने आई इंडिया को बताया कि उसकी माँ को अनशन खत्म करने के लिए धमकाया जा रहा है। मैं अनशन पर बैठी हुई, हमारी माता जी सावित्री बेवा स्वर्गीय सियाराम, हमको बहुत सी बातें कहनी है लेकिन जो हमारी बातें हैं पहुंच नहीं पाती हैं, और आज आई इंडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी माताजी आज 1 तारीख से बराबर अनशन पर हैं। अभी पिछले 5 तारीख को प्रशासन के द्वारा इनको जबरन इनके स्वास्थ्य का हवाला दे करके इनको जिला अस्पताल में डाल दिया गया। वहाँ पर न तो इनको कोई स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से मुहैया हुई है और न ही इनकी कोई देखभाल हुई है। अभी कल सुबह 9:30 बजे इनको डिस्चार्ज कर दिया गया जिला अस्पताल से, लेकिन इनको लगभग में 7 से 8 घंटे गैलरी में जिला अस्पताल की बैठाला गया और इनको घर नहीं भेजा गया। जब घर जाने की बात कही तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम इनको नगरपालिका को हैंडओवर करेंगे। नगरपालिका को हैंडओवर करके करीब 2-2.5 घंटा नगरपालिका में इनको बैठाले रखा गया और इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है अपनी अनशन खत्म कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे बच्चों को हवालात में डाल दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा, काम कमाई करने लायक नहीं रखूंगा। और आज भी इनकी धीरे धीरे हालत बिगड़ रही है और स्वास्थ्य का कोई भी आदमी इनको देखने नहीं आया है, जबकि 1 तारीख से इनका अनशन निरंतर जारी है और जब तक मांगे नहीं पूरी होती हैं तब तक ये अनशन आगे भी जारी रहेगा, और अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है तो आगे आत्मदाह करने की हमारी स्थिति आ चुकी है। यह स्थान इसलिए चुना गया है क्योंकि जहाँ पर हमारी माता जी पिताजी के साथ सात फेरे लेकर के आई थी, आज से लगभग में 75 वर्ष पूर्व में
तो वहां से तो प्रशासन ने हमको जबरदस्ती हटवा दिया है। और जब आई थी तो सर्वप्रथम महामाई अम्बा पराम्बा जगदम्बा माँ गौरी जी के दरबार में आकर के उन्होंने दर्शन किए थे। जब वहां पर हमारे जो निवास स्थान है वहां से हटा ही दिया गया है, तो ये तो अम्बा पराम्बा जगदम्बा माँ गौरी जी का दरबार है। अब यहाँ पर इनका है कि ये तो प्राण वहाँ निकले हैं, उनके दरबार में निकले, बात एक ही है। और साथ ही साथ अब जो है यही है कि हमारी जो मांगे हैं वो इंडिया के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं उच्च अधिकारियों तक कि हमारा जहाँ पे निवास था हमारे वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पास हो चुका है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे जो 10 वर्ष से अधिक समय से सरकारी जमीन पर रह रहा है उसके नाम पट्टा आवंटित किया जाए। एक तरफ सरकार अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही है और प्रशासन के माध्यम से उन योजनाओं में पट्टा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो भी सरकारी भूमि पर है ना तो उनको पट्टा तो दिया नहीं जा रहा है बल्कि उनको उजाड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। स्टूडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।